हेलो, वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट करियर मोड के एक और नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड तक आप लोग देख चुके हो कि कैसे हैदराबाद को लपेटा था पिछले मैच में, और उसके बाद झारखंड तैयार है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंडर में यहां पे लपेटने के लिए। सॉरी, हैदराबाद को नहीं, जम्मू एंड कश्मीर को लपेटा था पिछले मैच में, और अब लपेटने के लिए तैयार है हैदराबाद को। तो फिलहाल सेकंड पोजीशन पे आप देख सकते हो यहाँ पे बनी हुई है झारखंड की टीम। गुजरात नंबर वन है, बट ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। तो फिलहाल गाइस चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हैदराबाद वर्सेज झारखंड, और ये होने वाला है मैच हैदराबाद के होम ग्राउंड में। 7:30 बजे से शुरू है, नॉकआउट मैच है, जो जीतेगा फाइनल की ओर आगे बढ़ेगा। तो शुरू करने से पहले गाइस एपिसोड को आपको पता है क्या करना है, या मुझे बताने की जरूरत है? चलिए बता देता हूं। आई थिंक सो बहुत लोगों ने कर दिया होगा वो काम। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हो चैनल पे, एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना है। चलिए यहां पे मैच शुरू होने वाला है गाइस, झारखंड वर्सेस हैदराबाद। ईशान किशन यहां पे देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा सा वहां पे पिच का जायजा ले रहे हैं, और यहां पे हैदराबाद के बल्लेबाज पता नहीं क्या कर रहे हैं, हु केयर्स। चलिए यहां पे T20 मैच हैदराबाद वर्सेस झारखंड, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोल देता हूं यार मैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड, सॉरी एयरपोर्ट वो दिल्ली में है, यहां पे नहीं है। चलिए ऑल राइट, माय बैड। यहां पे पिच जिस हिसाब से मुझे दिख रही है स्पार्टा पिच है एकदम, और बढ़िया रन्स आएंगे यहां पे, तो मैं चेस करने जाऊंगा फिर, क्योंकि यहाँ पे ड्यू फैक्टर भी काम करेगा। रात में मैच हो रहा है तो चेस करना ज़्यादा बेटर है। छक्का उछाला है, हेड्स की मांग करेंगे माही, देखते हैं क्या टॉस जीते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे हैदराबाद जीत चुकी है, हार्ड एंड ड्राई पिच है तो रन्स भरपूर हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हैदराबाद ने ली है गाइस बैटिंग, और अपने को करना है चेस। तो देखते हैं भाई कितना टारगेट देती है। एक तो बॉल गाइस हम लोग कीपिंग करेंगे, उसके बाद फिर जो है सीधा स्किप मारेंगे अपनी बैटिंग की तरफ। चलिए पहली बॉल यहाँ पे चिप कर दिया है स्क्वायर की तरफ, और यहाँ पे स्क्वायर कट के साथ बाउंड्री आती है। पहली बॉल 4 रन, स्किप मारेंगे यहाँ पे हम भाई। चलिए यहाँ पे स्किप मार दिया, यहाँ पे लुढ़की भाई टीम इनकी। ये तो आराम से इजी मैच हो गया हमारे लिए गाइस। महेशी धोनी फिलहाल आए हैं स्ट्राइपर, 87 का टारगेट है जिसमें 31 रन ऑलरेडी बन चुके हैं। त्यागराजन है, गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली बॉल सीधा सामने और सॉलिड डिफेंस माही का, एकदम बल्ला निकल के आता हुआ बॉल की तरफ, और यहाँ पता नहीं किस बात के लिए जंप लगा रहे हैं, क्योंकि यार यहाँ पे तो आराम से जीतेगी, कोई भी चांस है नहीं। फुल टॉस, ऊंचा मारा है, टाइमिंग हुई नहीं है यहाँ पे, टंग गया है। ओह, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, जज नहीं कर पाए फील्डर वहां पे कैच को, वरना यहाँ पे आउट हो सकते थे माही दूसरी गेंद पर, बट यहां पे जीवनदान बोल सकते हैं। ये देखिए जज नहीं कर पाए, वहां पे कैच होना चाहिए था, उनको लगा कि शायद आगे रहेगी बॉल और वो जाके उनके पीछे गिरी, और कप्तान खुश नहीं है यहां पे फील्डिंग से, बट क्या फर्क पड़ता है, हम तो बहुत खुश हैं, अपने को चौका मिला है, शुरुआत हुई है यहां पे रनों की चौके के साथ। इस बार कदमों का इस्तेमाल डाउन द ग्राउंड, अब फील्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये स्टेडियम के पार। ये लीजिए भाई, इधर है ही नहीं बॉल, मंगवा लो बाहर से दूसरी बॉल, अभी देख लो भाई, आप खुद देख लो कहां गई है, आपको दिख रही है तो बताओ मुझे, मेरे को तो नहीं दिख रही, क्योंकि भाई क्या शॉट था ये, रिप्ले में दिखाओ यार जरा, व्हाट वाज दैट मैसिव हिट। ये देखो भाई साहब, ओहो कदमों का स्माल भाई, कहां निकल के आ गए यहां तो धोनी। अरे धोनी भाई, व्हाट आर यू डूइंग मैन, भाई भयानक छक्का है ये, इसको छक्का भी नहीं बोलेंगे, भयानक छक्का बोलेंगे इसको हम। क्या शॉट है ये, चलिए क्लोजअप लेता हूँ भाई, भाई देख फिनिश देखो आपके क्या स्टाइल से कर रहा है, ये देखिए ओहो बहुत लंबा, अल्टीमेट महेंद्र सिंह धोनी का वो भाई साहब सामने वाला छक्का है, डाउन द ग्राउंड, बल्ला पूरा खुलता हुआ यहाँ पे, बॉटम हैंड, बेहतरीन शॉट, क्या शॉट लगाया भाई ये, गजब मारा है। चलिए यहाँ पे फिलहाल चलते हैं गाइस बैटिंग की तरफ। 3 गेंद 10 रन, और मुझे नहीं लग रहा ज्यादा टाइम लेंगे यहां पे धोनी, और लीव करा इस बार बाहर की ओर गेंद,
आप लीव करा उसको, जरूरत नहीं थी उस वाली बॉल को मारने की, थोड़ा सा रिस्की हो सकता था लाइक अगर हम चेस करते उस बॉल को बीट होते तो यहाँ पे स्टंपिंग का चांस बनता हमारे लिए। अरे भाई इस बार फिर बढ़ के मारना चाहते थे कदमों का इस्तेमाल, वो लेग साइड की दिशा में पावर का इस्तेमाल करके वो टपाना चाहते थे छक्का, लेकिन वाइड गेंद यहाँ पे रीच से बहुत ज्यादा बाहर। यहाँ पे बिल्कुल फुल फ्लेज मारने के मूड में आज माही। अरे भाई इस बार फिर चढ़ाना चाहते थे, इस बार कनेक्शन हुआ नहीं, आप देखिए थोड़ा सा लेट रह गए, बॉल तक पहुंचे नहीं बॉल की पिच पर, तो यहाँ पे एक डॉट गेंद। लेकिन यार वो टेस्ट कर रहे हैं भाई अपने शॉट्स को, क्योंकि यार अभी मौका है, ज़्यादा रन है नहीं, ज़्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं अगर विकेट जाता भी है, तो क्यों ना शॉट्स को टेस्ट कर लिया जाए अपने वो फाइनल सेमीफाइनल के लिए। ये देखिए फिर से डाउन द ग्राउंड एक और छक्का, यहाँ पे दिखाते हुए महेंद्र सिंह धोनी की क्यों इनको बेस्ट फिनिशर पावर हिटर बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है। बल्ले का आप देख रहे हो फेस पहले से ही भाई पूरा बॉटम एंड पीछे करके रखा हुआ है, चढ़ा के रखा है पूरा बल्ला, कि आप बस डालिए बॉल फिर मैं उसको भेजता हूँ तारा मंडल की सैर पर। 165 मीटर का छक्का भाई, वो वाला तो देखा भी नहीं हमने कितने मीटर का था। गाइस कमेंट करके बताना अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने तो नहीं देखा। लाइक ये लीजिए फिर से टपा के मारा है, क्या लंबी जाएगी, बहुत लंबी जाएगी साइटिस की तरफ डाउन द ग्राउंड, फिर से एक और छक्का और बैक टू बैक दो छक्के आते उस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी। व्हाट अ शॉट भाई साहब, यहां तो खटिया खड़ी कर दी है, क्या स्पिनर क्या फास्टर, 7 गेंद 22 रन, दो छक्के मारे 2 गेंद बाकी है, फिर से लो भाई साहब लॉन्ग ऑन की तरफ इस बार तो, और इस बार भी बहुत लंबा गई है और बहुत ऊंची भी, फर्स्ट ईयर में लैंड करेगी लेकिन मैक्सिमम बॉटम हैंड देखिए पहले ही चढ़ा हुआ है यहां पे, वो बॉल को लैंड ही नहीं करने दे रहा है, फुल टॉस लो फुल टॉस बना के सीधा स्टैंड्स के पार भेज रहे हैं यहाँ पे। समझा तो है कप्तान लेकिन क्या समझाएंगे भाई, अब एक तो आपके पास वैसे ही रन नहीं है, ऊपर से आप क्या समझा लोगे, धोनी यहाँ पे ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए इस बार कनेक्शन हुआ नहीं है, 2 रन की मांग करी है, शायद 2 मिल जाएंगे, बढ़िया रनिंग रेट विकेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे 2 रन, इसी के साथ 9 रन पे 30 रन महेंद्र सिंह धोनी, 9 का रन रेट चल रहा है और 71 में 22 चाहिए, इसी ओवर में बना दे क्या, कोशिश करते हैं गाइस, 5 गेंद है हमारे पास। नहीं 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 कनेक्शन नहीं हुआ भाई, तो भाई सब बच गए, ट्राई करेंगे लाइक अगर स्ट्राइक देते हैं यहाँ पे विराट सिंह तो फिर हम ट्राई करेंगे तेजा को इसी ओवर में भेजा खोलने का। अरे भाई रन यार एक सिंगल दे दे मेरे भाई प्लीज़, 21 रन चाहिए, मैं चाहता हूँ इसी ओवर में ख़त्म कर दूँ ये वाला मैच ताकि हम नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ सकें गाइस, है ना, जब इतनी जल्दी फिनिश हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट मैच खेलेंगे हम। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं नहीं जानता भाई आउट हो क्या हो, आई डोंट केयर, छोड़ो यार चलो एक ही रन लेते हैं यहाँ पे, 3 गेंद में नहीं है पॉसिबल यार, 20 रन कहाँ से पॉसिबल, 18 बन सकते हैं, 3 छक्के लगे, देखते हैं एक या 2 मारते कम से कम, उसके बाद फिर सिंगल ले लेंगे हम, फिनिश तो हम ही करेंगे भाई, 10 में 31 मारे भाई क्या चाहिए और। अरे यार इस बार कनेक्शन टाइमिंग हुआ नहीं है, टंगी भाई इस बार छोड़ दे, नहीं छोड़ा यार उसने। चलिए 10 गेंद में 31 रन बना के यहाँ पे माही का विकेट जाता हुआ, और शॉट्स ट्राई कर रहे थे आज माही, बिकॉज ज़्यादा रन नहीं है यार, आराम से जीतेगी झारखंड यहाँ पे, अरे यहाँ से भी हार जाती है तो फिर चुल्लू और पानी में डूब जाना चाहिए टीम को, जिताओ भाई खत्म करो मैच। चलिए फाइनली खत्म कर तो यहाँ पे झारखंड 5 विकेट के साथ, और अनुकूल रॉय को दिया गया है 4 विकेट के साथ यहाँ मैन ऑफ द मैच, ओके नो इशू, और हम चलते हैं गाइस नेक्स्ट मैच की तरफ। फिलहाल आई थिंक सो अब होपफुली नंबर 1 पे आ चुकी होगी झारखंड की टीम, और नहीं आई होगी तो देखते हैं भाई फिर कौन है हमसे ऊपर अभी भी। चलिए फाइनली गुजरात की टीम आ चुकी है नीचे रन रेट की वजह से, एंड अब लेफ्ट राइट साइड में एक चीज़ देखिए, जो इंडिया लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेटिंग अटेंशन, तो यहाँ पे डेब्यू होने के चांस है, लाइक सिलेक्टर यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी को, अब वो पता नहीं है कब तक लाइक हो सकता है कब होगा भाई, दबे यहाँ पे गेटिंग अटेंशन का आ रहा है अपने को, होपफुली अगर ये वाला सीज़न हम जिता देते हैं तो क्या हमारा डेब्यू हो जाएगा गाइस, आई डोंट नो यार लाइक पता नहीं, वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं अभी उसके लिए। फिलहाल गुजरात और झारखंड के बीच की लड़ाई यहाँ पे नंबर 1 दोनों टीम बोल सकता हूँ, बिकॉज दोनों ही 16 अंक पर हैं, तो मैं दोनों को ही बोलूँगा नंबर 1 टीम। अब देखते हैं फाइनली
कौन नंबर वन रहने वाली है। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, क्या ये फाइनल है? आई डोंट नो, हो सकता है। हम तो हर मैच वैसे ही नॉक एज अ नॉकआउट खेल रहे, क्योंकि अब यहाँ से हर मैच नॉकआउट है। आप मैच हारोगे आप घर जाइए, और जीतोगे तो आप आगे जाइए हाँ ट्रॉफी की तरफ। चलिए होपफुली ये वाला सीजन अगर हम जीतते हैं तो शायद अपने को चांस मिल जाए डेब्यू करने का भारतीय टीम में। और मैं चाहता हूँ T20 या ODI में पहले मुझे मिले, टेस्ट में ना दें तो ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे। चलिए फिलहाल सेम टीम, नो चेंजेस एज ऑलवेज। माही यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस करते नहीं अपनी टीम में, जो टीम है वही खिलाना पसंद करते। हेड्स की मांग करी है, होपफुली वाला टॉस हम जीत जाएं। गुजरात जीता है टॉस। चलिए क्या लेंगे आप, बैटिंग या बॉलिंग, या चेस करना चाहेंगे या फिर बॉलिंग लिया यहाँ पे। चलिए फिलहाल रन खड़े करने होंगे यहाँ पे, रन लगाने होंगे। और आई थिंक सो गुजरात जीत गई। व्हाट जस्ट हैपेंड, 192 लगाए थे और यहां पे गड्ढा पारी खेली है दोनों ने। 192 भी कम पड़ गए इस विकेट पे, तो मेरे हिसाब से गड्ढे ही पारी खेली। यहाँ पे 60 गेंद का यूज करके उसने 97 बनाए हैं विशाल ने। अच्छी पारी है लेकिन यार और भी रन बन सकते थे वहां पे। विकेट क्या करोगे इतने ज्यादा विकेट बचा के, एक विकेट हुआ है वहां पे और उस चक्कर में हार गई भाई झारखंड। और 6 विकेट से यहाँ पे गुजरात ने जीत लिया और फाइनल ना हो ये भाई, पता नहीं मुझे अभी, आई थिंक सो फाइनल ही था। अरे यार सीरियसली यहाँ पे फाइनल हार चुकी है गाइस फिर से गुजरात के अगेंस्ट। हमारी बैटिंग ही नहीं आई भाई, हम क्या कर सकते हैं भाई, मेरे को पता ही नहीं था, वरना मैं बैटिंग ऑर्डर में ओपन कर लेता अगर इतनी गड्ढा बैटिंग करने वाले थे ये दोनों। मतलब बैटिंग अच्छी करी है नो डाउट, बट विकेट्स बचा के ज़्यादा बॉल खेल के आप 97 बनाया भी, और ज़्यादा तेज़ खेलना चाहिए था, क्योंकि आपके हैंड आपके हाथों तो विकेट्स हैं वहाँ पे। 3 ओवर भी माही को मिलते तो वो 30-40 रन एक्स्ट्रा हो सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, ऑल राइट अभी हम बाकी ये सब स्किप करते हैं थोड़ा सा, एंड देन देखते हैं कोई सीरीज़ आ रही है क्या, या फिर ये चलो यही खेल लेते क्लब मैच, क्या करेंगे अभी। झारखंड फिनिश द इंडियन T20 स्टेट प्लेट पूल बी सेकेंड पोजिशन, क्या करेंगे सेकंड पोजीशन पे यार, जीतना था वो वाला टूर्नामेंट। फिलहाल यहाँ गेटिंग अटेंशन पे रह जाएंगे हम यार। चलिए एक 50-50 मैच खेलते हैं गाइस, यहाँ पे पता नहीं कौन सी टीम है और साथ में हम भी हैं, तो पहले तो मैं यहाँ पे जाऊँगा नंबर 5। और मुझे यार मैंने गलती करी है, लाइक मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था शायद फाइनल हो सकता है दोनों टीम के बीच में, बट मुझे ये नहीं पता कि फाइनल ही है वो, वरना मैं प्रमोट कर लेता आपको नंबर, मैं ओपन ही कर लेता भाई T20 में, ओपन ही कर लेता, क्या करता उससे ज़्यादा। चलो भाई यहाँ पे अनफॉर्चुनेट हार गए हम फिलहाल, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लिप क्रिकेट मैच पे चलते हैं। 50 ओवर यहाँ पे भाई निकालेंगे, उस गुस्से को तोड़ेंगे यहाँ पे बॉल को, और अपने को भाई इंडिया डेब्यू करना है, हमारा टारगेट वही है। हार के क्या कर सकते हैं, बट अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे माही का, आई थिंक सो फर्स्ट या सेकेंड पोजिशन पे रनों में करा होगा फिनिश, तो नॉट बैड, वो भी हमने चेक नहीं करा एक्चुअली। चलो यहाँ पे हेड टेल भाई, 2 मैच से टॉस हार रहे हम, ये इस बार टेल लेंगे यार, लगातार हम हेड हेड में 2 बार टॉस हार चुके हैं। चलो फिलहाल जीत चुके हैं हम, और यहाँ पे लेंगे भाई बैटिंग। आप भाई तोड़ाई चाहिए मेरे को, मैं तोड़ाई मांगता हूँ आज, शतक 110% आज होगी भाई तोड़ाई एकदम भयानक वाली। ऑल राइट 27 ओवर के बाद यहाँ पे फाइनली आते हुए माही, 58 मैच खेले भाई, 2 ही शतक है मात्र, तो यहाँ पे 144 3 विकेट के नुकसान पर महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर पहली बॉल, और उसको मार दिया है बहुत तेजी से, वो गुस्सा दिखता हुआ फाइनल के बाद, क्योंकि बैटिंग नहीं मिली है उस फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी को। और ये देखिए पहली बॉल सौड़ाम जैब, क्या ही बेहतरीन शॉट, दन दनाता हुआ जाता पहला चौका, और इसी के साथ स्ट्राइक और खाता भी खोलेंगे 4 रन के साथ एक बॉल महेंद्र सिंह धोनी। दूसरी बॉल इस बार कवर ड्राइव, और ये देखिए ये भी जाएगा, यहाँ पे कोई मौका नहीं फील्डर के पास, बेहतरीन शॉट एक और चौका, बैक टू बैक दो बाउंड्रीज, यहाँ पे 8 रन 2 गेंद 400 स्ट्राइक रेट से खेलते हुए। आज तो स्ट्राइक रेट भूल जाओ आप, क्योंकि वो भाई चलना है आज, आज विकेट जाए जो जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आज बल्ला भाई फुल स्पीड में घूमेगा। ओके इस बार थोड़ा सा ऊपर थी बॉल, तो उसको सामने मार दिया है स्ट्रेट ड्राइव,
एंड हल्के साथ तिरछा मारा था तो लगा थोड़ा सा कवर की तरफ जाएगा, बट थोड़ा सा अनयूजुअल शॉट, बट सीधा जाता हुआ एकदम। ये देखिए पैट का फेस देखिए आप, 5.5 का भी देखो, 6.5 के ऊपर जाएगा ये रन रेट। 3 गेंद 12 रन। ओ बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, इस बार बीट कर रहा है, आउट ऑफ स्टंप जयरथ ने। और बेनवाजी के लिए हैरिंगटन, अभी इनका टन टना टन टन करते हैं अभी अपन। दोषी भाई तो हमारे साथ खेल रहे हैं 43 रन पर 61 गेंदों में, तो ठीक है उनको खेलने देते हैं अपनी इनिंग्स, और फिलहाल हम अपने तरीके से खेलते हैं ताबड़तोड़। चलिए यहाँ पे स्ट्राइक दिए फिलहाल दोषी को, अगर अर्शदा करना चाहे तो कर ले, लेकिन लास्ट गेंद पर स्ट्राइक, तो धोनी ही रखेंगे यहाँ पे स्ट्राइक। यहाँ पे 30th ओवर, तो 29 ओवर डाले जा चुके हैं, और 361 दिखा रहा प्रोजेक्टेड स्कोर, और उससे ज्यादा ही जाएगा इस बार। देखिए लॉन्ग ऑन की तरफ बेहतरीन शॉट, मंगवा लीजिए आप इसको पार्किंग लॉट से, पार्किंग में मारा सीधा छक्का। ये देखिए भाई शॉट देखिए आप, बेहतरीन शॉट, बहुत ही लंबा हुआ, फ्लड लाइट के बगल से जाता हुआ। 6 गेंद 19 रन, 130 मीटर का छक्का, ज्यादा मैसिव नहीं लेकिन ठीक ठाक। ये लीजिए, आपने बोला था ज्यादा मैसिव नहीं, इस बार मैसिव मिलेगा, और अब तो आप मंगवा लीजिए वो बाहर से, पता नहीं किधर गया ये, दूसरे पता नहीं फैक्ट्री वैक्ट्री में गिरा जाके किसी के, उनके घर से मंगवा लीजिए अगर दे दें बॉल, तो नहीं दे तो दूसरी मंगवा लीजिए बॉल। इस बार एकदम मिडिल गिरा, और आप देखिए मतलब लगा एक टाइम पे कि शायद अर्थ की जो ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगी बॉल, तो और उसको मंगवाना पड़ेगा वो स्पेसशिप वगैरह भेज के, इतना ऊंचाई की और लंबाई इस शॉट में। शॉर्ट बॉल फ्लैट छक्का, महेंद्र सिंह धोनी, फील्डर वहां पे सिर्फ बने रहेंगे दर्शक। और इसको भाई वो क्या बोलूं मैं, गुस्सा है ये फाइनल का बेसिकली, जो बैटिंग नहीं मिली ना भरे रह गए, तो ये उसका गुस्सा निकल रहा है अभी इस मैच में, और निकलेगा भाई बहुत भयानक तरीके से निकलेगा, आप देखते जाओ। 8 बॉल 31 रन। अरे भाई अच्छा अच्छा हुआ ये वाला टाइम नहीं हुआ, वरना ये टंग जाती भाई, ये आउट हो सकते थे उसमें। बाल बाल बचे, इजी थोड़ा सा मारते हैं, लेकिन देख के भी मारना ज़रूरी है गाइस। दोषी फिलहाल खेल रहे 43 पे ही रह गए, और यहाँ 32 पे पहुँच चुके हैं वहीं 9 गेंदों में। चलिए इस बार 6 छक्के का ट्राई करते हैं, हैरिंगटन है यहाँ पे स्ट्राइक पर, और पहली बॉल पर मार दिया यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से छक्का, काफ़ी स्लोअर बॉल थी और उसको डाला था हल्का शॉर्ट लेंथ को पीछे खींचा था, बट क्या फर्क पड़ता है अभी अगर मिडिल कर सकते हैं यहाँ पे वहीं तो। ये लीजिए यहाँ पे फील्डिंग चेंज करते हुए कप्तान, और 1 छक्का आ चुका है इस ओवर का, 5 छक्के क्या मार सकते हैं यहाँ पे वहीं, 6 छक्के मार सकते हैं हैरिंगटन को। नहीं बीट करा यहाँ पे हैरिंगटन ने, हल्का सा और पीछे शॉर्ट पिच डिलीवरी, और गति के साथ बीट कर दिया भाई, और 6 छक्का तो नहीं आएगा भाई, तो यहाँ पे चलो अभी स्ट्राइक ले लेंगे अपन। एक और बॉल बैकफुट पे जाके मारना चाहिए था, शॉर्ट बॉल का हथियार यूज करते हुए माई के खिलाफ, वाइड बॉल है भाई दबे, अगर इस पर छक्का जाता तो शायद फिर हम ट्राई कर सकते 6 छक्के के लिए, लेकिन वो लगातार मारने वाली चीज़ अलग है। चलिए इस बार स्क्वायर कट, और 1 रन मिल जाएगा यहाँ पे, और फिलहाल स्ट्राइक पर कौन है, दोषी भाई, जब 43 भाई साहब 44 एक रन बना पाया इनने यहाँ पे, मैं धोनी पता नहीं कितने 12-13-18 रन पे थे, और उसके बाद इधर पे आ गए तो 30 प्लस पे आ गए, यस, और उनका 1 रन बनाया यहाँ पे, 40 में आ गए ये देखो, पता नहीं मुझे लग रहा है कोई सरप्राइज नहीं होगा मैं अगर धोनी यहाँ पे पहले 50 कर भी लेते अगर इनसे तो। चलिए जयरथ ने यहाँ पे गेंदबाजी के लिए, लेट्स ट्राई इस बार 6 छक्के के लिए, पहली बॉल कदमों पर, और इसी गेंद का तो इंतजार करते हैं वहाँ हमेशा, और उसको फिर से भेज दिया वो फैक्ट्री में, बेहतरीन शॉट यहाँ पे लॉन्ग ऑन की तरफ छक्का, पहली बॉल पे फिर छक्का आ गया गाइस, शॉर्ट बॉल मत डालियो भाई बस, बाकी यहीं डालते रहो तुम कदमों पे, तुमको 6 में 6 मारूंगा, तुम भी फेमस हो जाओगे मेरे साथ, फेमस होना है कि नहीं बोलो जयरथ ने, बहुत तुरंत डाल दी ससुरे ने शॉर्ट बॉल तुरंत, ये देखिए बाहर की तरफ शॉर्ट बॉल यहाँ पे, और उस गति तक नहीं पहुंचेगी, लाइक बैकफुट पर ट्राई भी करा था जाके मारने का, बट बहुत ज्यादा बाहर एंगल के साथ। ये देखो यार अपरकट निकालना चाहते थे इस बार बॉडी के नजदीक, इसीलिए वो कनेक्ट होगा नहीं अपरकट,
46 रन गाइस, 4 रन मात्र दूर है यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी। 17 बॉल 18 बॉल कितने में करेंगे यहाँ पे 50, ये तो महेंद्र सिंह धोनी बता सकते हैं, लेकिन आई थिंक 17 बॉल में हो जाएगी यहाँ पे 50। बेहतरीन लेग साइड की तरफ छक्का, यहाँ छक्कों में ही डील कर रहे हैं इस मैच में। क्लब मैच है यार, और ऑब्वियसली यहाँ की बाउंड्रीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ी नहीं होती है, और क्वालिटी बॉलिंग क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा खास नहीं। 6 छक्के मारे, 305 का स्ट्राइक रेट, 3 चौके, 17 गेंद में 52 रन गाइस। आई थिंक फास्टेस्ट 50 बोल सकते हैं क्लब मैचेस की। चलिए इस बार फिर से कदमों पर गेंद, फुल लेंथ, और उसको फिर से डिपॉजिट कर रहा है जैसी पहली गेंद थी, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ गेंद, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का इस बार महेंद्र सिंह धोनी। चलो तुम आओ तुम आओ तुम आओ, सब के सब वहीं जाओगे जहां पे ये जा रहा है अभी, ये वही बताते हुए फिलहाल इशारे से 205 पे पहुंचा दी यहां पे रांची की गाड़ी 31 ओवर में मात्र। अरे नहीं नहीं, मिस हिट हुआ, ये मिस हिट हो गया, पकड़े जाएंगे। थोड़ा सा गुस्सा भरा हुआ था, वही कह लो आप कि हर बॉल पे मारने का वो ट्राई, उस चक्कर में यहाँ पे शॉट डाली थी और गति को पीछे खींचा था यहाँ पे बॉलर ने, तो यार फायदा मिल जाएगा, बॉल बहुत ज़्यादा ऊपर और वो टाइमिंग नहीं मिली उस वजह से, क्योंकि गति थी नहीं बॉल में, और तब भी भाई देखो ऑलमोस्ट जाके बाउंड्री पे कैरी हुआ है। इसी के साथ 58 रन के साथ विकेट गिरता हुआ, 19 गेंदों में अपना काम कर दिया यहाँ पे माही ने, भाई भूत बना दिया मार मार के। देखो आप सारी बॉल मिडिल करी हैं, वैगन व्हील देखो आप, सिर्फ लाल डॉट दिखाई रहोगे आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लिया, सिर्फ 19 बॉल तड़ा तड़ तड़ तड़, मतलब क्या बना दिया, तबला सा बना दिया यहाँ पे बॉलर्स का, पता नहीं कितना बना लेगी, जीतेगी हारेगी आई डोंट नो, शायद जीत जाएगी, नहीं हार गए ये लोग। तो रांची यहाँ पे जीत गया गाइस 16 रन के साथ, और मैन ऑफ द मैच मिलेगा गौतमानाथ को, क्यों मिलेगा, क्योंकि 4 विकेट लिए हैं उन्होंने। बाकी महेंद्र सिंह धोनी 58 की पारी, यहाँ पे धाना ने भी 62 की पारी खेली है, दोषी ने 82 की, एंड ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस गुड। यहाँ पे 333 का विशाल लक्ष्य बनाया था ये टीम के सामने, और 264 पे धराशायी हो जाएगी इनकी टीम, कोई बात नहीं, और वो जो गुस्सा भरा था ना वो शांत होगा फाइनली इस मैच के बाद, लाइक जो हिसाब की कुटाई करी है ना, उस हिसाब की कुटाई करना चाहते थे बेसिकली, बट वही चीज़ें कर नहीं पाए। चलिए फिलहाल ऑलराइट गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही, और आप देख सकते हो ये अपडेट रहेगी रहे हमारे लिए कि इंडिया टीम के लिए यहाँ पे अटेंशन दिया जा रहा है माही को, तो एकाध बेसिकली टूर्नामेंट और स्टेट टीम के लिए, और होपफुली अपने को डेब्यू मिल जाएगा एक या दो एपिसोड के अंदर, आई डोंट नो, वो देखना पड़ेगा क्या, अब होपफुली अगले एपिसोड में अपने को डेब्यू मिल जाए या फिर उसके अगले एपिसोड में, तो वो देखने वाली बात होगी। होपफुली आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आएगा तो लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो चैनल पे, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से करना प्रेस, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको मिले सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट करियर मोड में, तब तक ख्याल रखें अपना, एंड गुड बाय।